हेलो गाइस, चलिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मेरा मानना है कि आप लोग तो प्रो बन चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आता भी है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सारा चीज़ होता है। तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, चाहे आए या ना आए, बार बार बनाना पड़ता है तभी वो माइंड में स्टिक करता है और एग्ज़ाम में फट फट बन जाता है। चलिए फिर, इन एन एग्जामिनेशन रोहन स्कोर 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 7 मार्क्स। इफ़ ही हैड स्कोर 10% मोर परसेंट वैल्यू देन ही गॉट 2 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर? फू, ठीक है, रोहन को मिला 40% मार्क्स, जो जो बोला पहले लिख लेते हैं। और फेल हो गया कितने? 7 मार्क्स से तो फेल हुआ है। तो हमारा काम रहता है कि पासिंग मार्क्स बराबर, पासिंग मार्क्स के इक्वल लाना पड़ता है, कि बस इतना कर दो कि वो पास हो जाए। 40% मिला था, 7 नंबर से फेल हुआ, 7 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। ये पास वाला कर लिया हम लोगों ने। इज इक्वल टू, इसके बाद का स्टेप रहा था, इफ यू हैड स्कोर 10% मोर परसेंट वैल्यू देन ही गॉट टू मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। यहाँ से कन्फ्यूजन है, 10% मोर मिलता उसको किससे? 40% मिला उसे 10% ज़्यादा, तो 50% अगर मिलता, क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है, तो 2 मार्क्स उसको ज़्यादा मिलता पासिंग मार्क्स से। तो हम लोग को पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं करना है, पासिंग मार्क्स के बराबर ला के छोड़ देना है। हमारा काम ये रहता है, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता तो 2 मार्क्स कम कर देते हैं, -2। ये हमारा इक्वेशन बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। 50 में से 40 जाएगा, 10% आएगा, 10% इज इक्वल टू ये -2 +7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, -1 प्लस 7 और 2 9। 10% की वैल्यू 9 है। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 × ये 9 अपॉन में ये 10। बस मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारा 90% है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, आने वाला क्वेश्चन है, ये से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को आता ही होगा, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 12.5% देन डिक्रीज बाय 25% देन अगेन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द ओवरऑल चेंज इन इट्स रेट। 12.5 तो आप लोग के दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है, 1/8 इंक्रीज बोला है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है फिर 25% यानी कि 1/4, फिर डिक्रीज हो रहा है 20% यानी कि 1/5। ठीक है, बस लिख लेते हैं, पहले 8 था इंक्रीज हुआ यानी 9, 4 था डिक्रीज हुआ यानी 3, 5 था डिक्रीज हुआ 4। जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ ऐड किए, जहाँ डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे माइनस किए, बस। अब बस कुछ नहीं करना है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 9 × 3 = 27। ओवरऑल चेंज बताना है रेट में, 40 से कम होकर 27 हो गया, डिफरेंस क्या है इन दोनों का? 13। कहाँ से कम हुआ? 40 से। परसेंटेज निकालना है तो 100 को कैसे भूल सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 8 13 × 2.5 करेंगे तो कितना आता है? 13 × 26 होता है, और 13 का आधा कितना होता है? 6.5 यानी कि 32.5। तो क्या यही आंसर है? नहीं है। फाइंड द ओवरऑल चेंज इन इट्स रेट, तो होता कितना है? 100% होता है टोटल, उसमें से 32.5% डिक्रीज हुआ है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो जो आएगा कितना आएगा? 10 से 5 = 67.5% ओवरऑल चेंज आया है, और ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बस 100% में से माइनस करना मत भूलिएगा, ओवरऑल चेंज बोला इसलिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। अब तो लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो रट चुके हैं, 20% 1/5, 5 सा बढ़ के 1 बढ़ा यानी 6 हो गया, डिक्रीज हुआ 25%, 4 था 1 कम हो गया 3,
मैं लिख लेती हूँ, अगर कुछ बिगनर्स होंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। 20% की फ्रैक्शन वाली होती है 1/5, 25% की होती है 1/4। इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो 5 था, 1 बढ़ा 6 हुआ, 4 था 1 कम हुआ 3 हुआ। मल्टीप्लाई 5 और 20, 6 3 18, डिफरेंस 2 ही तो होगा। कहाँ से? 20 से इंटू 100, 0 से 0, 2 से 2, 10%। यहाँ पे आंसर सिर्फ 10% आएगा, इसमें 100 में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया बोला है। तो कितना परसेंट चेंज है? 10% है। ओवरऑल बोलता तो 100 में से ही 10 माइनस करते, अभी 10% ही हमारा आंसर। 10% क्या? डिक्रीज ना, कम हुआ है, 20 से 18 हुआ है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया रहेगा +10%, -10%, फिर और कुछ कुछ, तो +10 में क्लिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। -10% आंसर है हमारा। ठीक है, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16 होता है। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। 8.33% 1/12। 12.5%, ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, आप लोगों को मालूम होगा। 12.5% 1/8। 14.28% मतलब 1/7। इसे याद कर लीजिए, याद तो होगा ही, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।